हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज एक फ्लावर पैटर्न में एक मल्टी लेयर नेकलेस बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 mm या 8x0 का सीड बीड्स डिफरेंट कलर्स का। तो यहाँ पर मैं ग्रीन, रेड एंड वाइट ली हूँ, और 3 लूप्स वाला कनेक्टर और 6 होल्स वाला कनेक्टर्स। देखिए इसमें 6 होल्स है। यह है क्रीम बीड्स और टाइगर टेल। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग को क्या करना है, ये 3 होल्स वाला जो 3 लूप्स वाला जो कनेक्टर है, इसमें हर एक लूप में दो दो टाइगर टेल हम लोग को ऐसे लॉक करना है क्रीम बीड में, क्योंकि हम लोग को 6 लाइंस वाला मल्टी लेयर नेकलेस करना है। जैसे मैं यहाँ पर की हूँ वैसे ही 6 लाइंस, और ईच लूप में दो दो करके हम लोग को करना है। और उसमें हम लोग को वाइट या ऑफ वाइट वाला जो बीड से करीब 2 इंचेस तक बीडिंग करना है। देखिए मैं ऑलरेडी 5 टाइगर टेल में कर चुकी हूँ, 5 लाइंस कर चुकी हूँ, और ये 6th वाला लाइन है, और हम लोग को ये 2 इंचेस तक करना है। यहाँ तक करना है। फिर देखिए मैं यहाँ पर आपको पैटर्न बनाना सिखा रही हूँ। एक ग्राफ पेपर लेके आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, और लाइन कहाँ से कहाँ तक करना है। जैसे देखिए मैं 6 होल्स वाला ली हूँ, तो मुझे 6 सेल वाला ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, क्योंकि मेरे पास 6 लूप्स वाला कनेक्टर है। तो हम लोग का डिज़ाइन 6 होल्स में होगा, 6 बीड्स में होगा, इसलिए 6 सेल को लेके मैं बनाई हूँ। और फ्लावर जो भी आप जो भी पैटर्न बनाना चाहते हैं, ऊपर से कुछ स्पेस छोड़ के फिर मैं बना रही हूँ। तो जो भी पैटर्न बनाना है ऐसे ड्रॉ कर दीजिए ग्राफ पेपर में। करने के बाद जो जो सेल को ग्राफ पेंसिल टच कर रहा है वहाँ पर, या उसके अंदर जो है वहाँ पर हम लोग को डॉट्स रखना है, मतलब उसके वहाँ पर हम लोग को वही पर्टिकुलर कलर का बीडिंग करना है। जैसे देखिए ऊपर पेटल्स जहाँ जहाँ टच हुआ है वहाँ पर, वहाँ या वो लाइन के अंदर जो सब सेल है, तो इसमें से कुछ आपको बीच में चेंज भी करना पड़ सकता है। तो आप ये अच्छा से देख के एक पेटल शेप जैसे आना चाहिए वैसे कर लीजिए। तो बीच में मैं ग्रीन देना चाहती हूँ, तो मैं ग्रीन कलर रखी हूँ। ये जो ग्रीन सर्कल में दे रही हूँ, मतलब ये ग्रीन बीड्स होगा। फिर ऊपर मैं रेड कलर का पेटल्स बनाना चाहती हूँ, तो ये रेड बीड्स क्या, देखिए ये ऐसे मैं कंप्लीट की। तो एक फ्लावर के बाद मुझे फिर से कुछ गैप दे के फिर सेकेंड फ्लावर बनाना है। तो यहाँ पर ये जो डॉट्स मैं रख रही हूँ ये गैप देने के लिए, और यहाँ पर हम लोग को ऑफ वाइट देना है। रेड ग्रीन के अलावा जहाँ पर आपको सेल खाली दिख रहे हैं वहां पर आपको कंसीडर करना है ऑफ वाइट बीड। तो वैसे ही फ्लावर हम लोग अपोजिट साइड से बनाएंगे। ये लेफ्ट साइड से बना था, और ये वाला हम लोग अभी राइट साइड से बनाएंगे, सेम फ्लावर लेकिन अपोजिट साइड से। तो ऐसे देखिए ये पैटर्न बन गया। तो जहां जहां आपको खाली स्पेस दिख रहा है जो सेल में, वहां पर ऑफ वाइट बीड यूज होगा। देखिए अभी हम लोग का जो 2 2 इंचेस तक बना था, उसके बाद हम लोग 6 होल्स वाला कनेक्टर डाल देंगे, क्योंकि जब भी पैटर्न बनाना है वहां शुरू से वहां पर एक कनेक्टर देना है, और पैटर्न खत्म होने पर एक आपको कनेक्टर देना है। तो सारे लूप्स में ऐसे टाइगर टेल डाल दीजिए, 6 लूप्स में 6 टाइगर टेल्स। फिर हम लोग अभी पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग जो है लेफ्ट साइड से मैं स्टार्ट करूँगी। तो फर्स्ट लाइन में आपको खाली कितना सेल दिख रहा है, 5 सेल्स, तो वहाँ पर 5 ऑफ वाइट बीड्स रहेगा। तो जहाँ पर खाली सेल है वो उसका मतलब है ऑफ वाइट बीड्स, 5 ऑफ वाइट बीड्स। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो रहा है रेड कलर, एंड रेड कलर में 5 बीड्स है। फिर 5 बीड्स डालना है,
अभी रेड के बाद ग्रीन डालना है। तो जो जो डॉट्स जितना बार है उतना बीड्स हम लोग डालते जाएंगे और एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में पहले मैं एक लाइन कंप्लीट करूंगी, देन टुवर्ड्स राइट आऊंगी, फिर सेकेंड लाइन करूंगी। इस हिसाब से हम लोग को काउंट करके डालना है। कोई भी पैटर्न आप बना सकते हैं बहुत इजीली। देखिए ये 3 फ्लावर्स मैं बना चुकी हूँ। फर्स्ट ये फ्लावर, सेकेंड वाला ये, थर्ड फिर से मैं ऊपर से की हूँ। तो जहाँ पर लाइन ड्रॉ है वो सेकेंड फ्लावर एंड है, फिर शुरू से फर्स्ट फ्लावर बनाएंगे तो बीच में ऑटोमेटिक गैप आ जाएगा और फर्स्ट फ्लावर के नीचे यहाँ तक हम लोग को करके फिर फिनिश करना है। फिर हम लोग कनेक्टर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, आप जब भी पैटर्न करेंगे नेकलेस का स्ट्रेट पोर्शन पर ही पैटर्न बन सकता है। स्पेशली इस टाइप का पैटर्न आपको नेकलेस का जहाँ पर टर्न होगा वहाँ पर ये पैटर्न नहीं रहेगा सही से। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं करीब 4 इंच या 5 इंच का ये पैटर्न बना रही हूँ, क्योंकि इतना ही वो स्ट्रेट होके रह रहा है, नेकलेस का वही पार्ट स्ट्रेट में रह रहा है, तो वहाँ पर ही पैटर्न बना सकते हैं। तो आप उस हिसाब से जो भी नेकलेस जैसे बना रहे हैं जो भी स्ट्रेट पार्ट रहेगा वहीं पर पैटर्न कीजिए, उसके बाद आप दूसरा जो भी बीड्स देना है देंगे, क्योंकि उसके बाद पैटर्न सही से नहीं रहेगा। फिर हम लोग बीडिंग करेंगे ऑफ वाइट बीड्स में पूरा एंड तक और हर एक लाइन में करना है। देखिए ये कंप्लीट हो गया। आप जैसे देख सकते हैं टर्निंग से पहले ही मैं पैटर्न खत्म की हूं। तो अभी क्रिम बीड लेके फिर दो दो लाइन को एक लूप में हम लोग को लॉक करना है। फिर ऊपर में चेन के साथ मैं हुक एंड जंप रिंग लगा रही हूँ और थोड़ा एक्सटेंशन चेन ली हूँ ताकि वो लेंथ को अल्टर कर सकें। Now it's ready to wear. Thank you friends for watching my video. Have a good day. Bye bye.